नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम श्याम है, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रीड करने वाले हैं EDC 17C46 ईसीयू। यहाँ पर आप देख सकते हो, एक्चुअल में ये बॉडी पसाट के ईसीएम की है, लेकिन इसके अंदर बोर्ड किसका है ये मुझे भी याद नहीं रहा, क्योंकि मेरे पास कई एक ईसीएम रखे हैं, सारे इंटरमिक्स हो गए हैं। तो दोस्तों, इस ईसीएम को हम लोग रीड करने वाले हैं केटक की मदद से। यहाँ पर है हमारा केटक। तो सबसे पहले केटक में ये केबल लगानी होती है, ये लगाई मैंने इसकी केबल, और इसके बैक साइड में ये यूएसबी केबल आपको यहाँ पर लगानी होगी। इस तरीके से ये यूएसबी केबल लगी, उसके बाद देना होता है इसे पावर। ये मैंने इसे पावर दे दिया। और यहां से मैं करता हूं इसे ऑन, ये कर दिया ऑन। उसके बाद आते हैं मेन चीज पर। मेन चीज है ईसीयू को डिसेंबल करना, तो इसे तो खोलना आसान होगा क्योंकि ये पहले से ही खोला हुआ ईसीएम है। दिक्कत हो सकती है आपको अगर ईसीएम आपका पहले से खुला नहीं है, तो इसे मैं खोलता हूँ। ये खुल गया और एक रात तो ये मैंने इसके दोनों पेज खोल दिए। इसके बाद ये दिखाई दिया हमारा बोर्ड, ये है इसका मेन बोर्ड। तो दोस्तों, उसके बाद आपको जाना है सॉफ्टवेयर पर। ये कनेक्ट होना चाहिए, अगर कनेक्ट नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर आपका ओपन नहीं होगा। केटक हमारा 2.23 वर्जन है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो दोस्तों, सबसे आसान तरीका बताता हूँ इसमें ईसीएम सेलेक्ट करने का। आपको जाना है प्रोटोकॉल्स में, प्रोटोकॉल्स, उसके बाद जाना है यहाँ से आपको बूट लोडर ट्राइकोर, बूट लोडर ट्राइकोर, उसके बाद ईडीसी 17। बहुत सारे दे रखे हैं इसमें, आपको स्क्रॉल डाउन करना है, स्लोली स्लोली करिए। उसके बाद यहाँ पर आना है आपको बॉस ईडीसी 17 बैक, इस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको जाना है ओके पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक कर दिया, स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ से ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है क्लिक हियर फॉर कनेक्शन, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था, कि ये जो ईसीएम है वो है ईडीसी 17C46। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये नंबर है ईडीसी 17C46। थोड़ा सा ये ब्लर कर रहा है, पता नहीं क्या मैटर, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हो हार्डवेयर, और उसके बाद आपको यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्शन पर क्लिक करना है। डायरेक्ट कनेक्शन पर क्लिक कर दिया, स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बोल रहा है तीन वायर यहाँ पे लगाने, दो बूट के और एक CNF बन, और बाकी के जो वायर हैं वो आपको यहाँ पर कनेक्ट करने हैं। तो मैं वायर इसमें कनेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद वापस आता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैंने वायर लगाए हुए हैं, और उसके बाद यहाँ के वायर लगाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा, ये तो आसान है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस होना चाहिए। तो थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो पॉज करता हूँ, और उसके बाद जब कनेक्शन कनेक्ट लग जाएंगे उसके बाद मैं वीडियो चालू करता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और मेरे पास कोई दूसरा बंदा नहीं है कैमरा होल्ड करने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने वायर इसमें सोल्डर कर दिए। तो ये जो वायर है बूट वाला, वो लगाना है आपको ये क्रॉस वाले सेक्शन में, थोड़ा सा ध्यान से लगाना है, ये लग गया। इसके बाद जो ब्लू वाला वायर है वो आपको इसमें कनेक्ट कर देना है, ध्यान रहे कि इसमें टच हो जाए, अदरवाइज काम नहीं करेगा। तो ये आप देख सकते हो ये सारे कनेक्शन हमारे लग गए। उसके बाद चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर।
तो यहाँ से करता हूँ मैं ओके। उसके बाद यहाँ पर ये सेलेक्ट करना है आपको TC 1767 EDC 17C 46। उसके बाद यहाँ से करना है आपको ओके। और यहाँ से करता हूँ मैं इसे रीड, रीड पर क्लिक कर दिया मैंने तो दोस्तों थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है इससे रीड करना ECM KTAX से, लेकिन अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे ECM रीड राइट करना काफ़ी सिक्योर है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसने सॉफ्टवेयर रीड करना स्टार्ट कर दिया है, ये सॉफ्टवेयर का नंबर बता रहा है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड वर्जन भी दिखा रहा है और देख सकते हो आप इसने बड़ी आसानी से ECM रीड करना शुरू कर दिया है। इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा ECM रीड करने में, रीड हो रहा है ECM, एरर इन रीडिंग, कोई बात नहीं है, एक बार दोबारा से कोशिश करते हैं। एक्चुअल में ये बोर्ड भी मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है तो हो सकता है इसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन कनेक्शन सारे इसी तरीके से लगेंगे अगर आपको कोई ECM रीड करना है तो KTAX की मदद से सारे कनेक्शन प्रॉपर इसी तरीके से लगेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो दोबारा से ECM रीड कर रहा है, तीन परसेंट इसने ECM रीड कर लिया है, सॉरी 5%। अगर आप इस टूल को कंपेयर करेंगे KTM बेंच से तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा स्लो है ये, लेकिन उससे ज़्यादा सिक्योर है। कभी कभी KTM में ऐसा होता है कि अगर डाटा बीच में रुक गया रीड होना, सॉरी राइट होना, तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों ये बीच में जाके रुक जा रहा है तो हो सकता है इस ECM के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा अगर आपको कोई ECM रीड करना है KTAX की मदद से EDC 17C46, तो इसी तरीके से आप बड़ी आसानी से ECM रीड राइट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल दोस्तों।